नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है फ्री बिजनेस हेल्प में आपका। दोस्तों आपको याद होगा कुछ टाइम पहले मैंने जो है चंडीगढ़ एक्सपो शूट किया था, जिसके अंदर आपको मैंने 7-8 कंपनियों का इंटरव्यू एक साथ दिखाया था कि कैसे आप उनके साथ बिजनेस कर सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं। और मैंने ये भी बोला था कि दोस्तों जो कंपनी आपको अच्छी लगती है, जिस कंपनी का बिजनेस आइडिया आपको अच्छा लगता है, उस कंपनी का नाम कमेंट कीजिए और उसके ऊपर हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लेकर आएंगे। तो दोस्तों जो आपकी तरफ से सबसे ज़्यादा पसंद किया गया था वीडियो वो था ट्यूली टैब का, और इसके ऊपर जो है आज हम आए हुए हैं नोएडा के अंदर। यहाँ पे जो कंपनी का ऑफिस है उसके हम बाहर खड़े हैं अभी, और जो आपके सवाल थे, जो सबसे ज़्यादा पूछे गए सवाल थे, कॉमन सवाल थे, वो हम लेंगे और उनके जवाब, जो भी आपके इंक्वायरीज थी उनका जवाब हम आज आपके लिए लेकर आएंगे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अगर दोस्तों पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, उसमें जो सवाल थे और जो आपका इंटरव्यू था वो देख सकते हैं ट्यूली टैब का। और आज कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके लिए हम लेकर आएंगे, जो बिज़नेस आइडिया था क्या था, कैसे था, काफ़ी इंक्वायरीज इसके ऊपर आई थी, तो इसलिए आज हम इस पर वीडियो बनाने जा रहे हैं। और दोस्तों जो वीडियो है इसमें अगर आपकी कोई इंक्वायरी रह जाती है तो सर जो कंपनी का नंबर है वो आपको दे दूंगा, वहाँ पे आप अपनी जो है बात कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि अगर आपको बिज़नेस आइडिया अच्छा लगता है तो इससे दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो सके आपके शेयर से। तो चलते हैं दोस्तों और देखते हैं क्या वहाँ पर है, जो ट्यूली टैब का क्या सिस्टम है और कैसे कंपनी वर्क करती है। तो दोस्तों अभी हमारे साथ हैं विनय तुगली सर, जिनका हमने कंपनी का आपको दिखाया था। सर सबसे पहले तो आपको बहुत जो है बधाई हो कि आपका जो कंसेप्ट है उसको लोगों ने काफ़ी पसंद किया, यूज़र्स ने काफ़ी पसंद किया और फीडबैक भी काफ़ी अच्छा दिया, इंक्वायरीज आई, कमेंट्स आए, तो इसीलिए हम आज आपके पास में आए हैं। सबसे और दूसरा स्वागत है हमारे चैनल पर सर आपका। सर ये बताइए कि जो इंक्वायरीज आई, थोड़ा यूजर्स ने बोला कि डिटेल में बताइए कि सर ट्यूली टैब है क्या चीज़ और कैसे, मतलब ये आपने स्टार्ट किया इसको। बेसिकली पहले मैं आपको थोड़ा सा अपना कंपनी का बैकग्राउंड बता दूं। जी हम लोग ट्रेडर्स हैं लास्ट मोर देन 100 ईयर से, और अभी भी हमारी जो है प्लास्टिक की फर्म है, जो हम दिल्ली में मेरे फादर उसको देखते हैं, तो वो हमारे पेरेंटल काम है जी, इसको हम देख रहे हैं। तो क्योंकि हम लोग नॉलेज रखते थे सारी डिस्ट्रीब्यूटरशिप, मैन्युफैक्चरिंग, होलसेलर्स, दुकानदारों के लिए हमारा सबसे कांटेक्ट था, तो हमारे लिए बहुत आसान था इन लोगों के लिए कुछ भी काम करना, बिकॉज हमारे को एक्सपीरियंस था। तो बेसिकली 2018 में हमने ट्यूली टैब का शुरुआत की। 2017 से हम लोग इसकी डेवलपमेंट कर रहे थे सॉफ्टवेयर की, तो 18 के अंदर हमने इसकी शुरुआत की। और इसके पीछे हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि हमारी कंपनी एडमोड्स लिमिटेड में हम लोग हमारा मोटिव ये है कि जितने भी शॉपकीपर हैं, छोटे दुकानदार हैं, छोटे कहो मीडियम कहो आप, जितने भी दुकानदार हैं, उन लोगों को किस तरह से उनकी जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं उसको हम कैसे किसी ना किसी बेनिफिट या पैसे या फिर किसी और तरह के बेनिफिट में उनके लिए कन्वर्ट कर दें। तो हमारी कंपनी का मोटिव उन छोटे दुकानदारों के लिए काम करने का है। तो उसी कंसेप्ट को देखते हुए जब हमने ये देखा कि एक दुकान के अंदर जो फुटफॉल आ रहा है चल के, जो एक दुकान के अंदर रोज 50, 60, 100, 200, 500 लोग आते हैं अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, और वो आते हैं दुकान में, देखते हैं कोई चीज़ें जब भी शॉपिंग करते हैं, तो उनकी जो आईबॉल्स हैं, उनकी आईबॉल्स का बेनिफिट हम कैसे एक दुकानदार को दे सकें, क्योंकि वो उसकी दुकान में चल के आ रहे हैं और वो इतना बड़ा कमर्शियल एक अपना स्पेस लेके बैठा है, उसके एक्सपेंसेस हैं, ठीक है ना, फुटफॉल आ रहा है उसके पास, तो उसकी आईबॉल्स को हम लोग पैसे में कैसे कन्वर्ट करें। तो हमने इसके लिए एक सोल्यूशन ये निकाला ट्यूली टैब का, जिसके अंदर की हमने टीवी प्रोवाइड किया, जिसकी अभी सारी डिटेल्स मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये इस मोटिव से हम लोग ये प्रोडक्ट लेके आए। तो सर इसमें कंसेप्ट आपके दिमाग में आया कैसे, स्टार्टिंग में आपने कैसे सोचा कि भी इस तरह कोई कंसेप्ट होना चाहिए कि दुकानदारों को अपनी दुकान में बैठे फ़ायदा मिल जाए, यूज़र्स को अपने घर बैठे फ़ायदा मिल जाए और जो एडवर्टाइजर्स हैं उनको भी इस टाइप से फ़ायदा मिल जाए, कैसे आपके दिमाग में ये कंसेप्ट? देखिए मार्केट में जैसे चल रही हैं चीज़ें, आप देखें सैटेलाइट टीवी चल रहा है, तो हमने बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज किया। एक तो हमें सबसे पहला फ़ायदा सोचना था शॉपकीपर का, ठीक है। उसके बाद हम जब कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम मार्केट की क्या, मार्केट में गैप हैं, कमियां क्या चल रही हैं, उसे हमें देखना पड़ता है। तो हमें ऐसा लगा कि जो टीवी एडवर्टाइजमेंट है उसके अंदर एक गैप है बहुत बड़ा, वो ये है कि आप टारगेटेड टीवी एडवर्टाइजमेंट नहीं दे सकते, आपको एक बड़े एरिया के लिए एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ती है, और उसके अंदर कोई बहुत
बहुत ज़्यादा एक्यूरेट मॉनिटरिंग नहीं है कि आपकी ऐड, अगर आपने ऐड दिया तो वो कितनी देखी गई, कितने टीवी पे वो चली, वो एक एवरेज रिपोर्ट ही बाहर निकल के आती है उसकी कि ये एवरेज हो सकती है, बट कहीं पे भी कुछ डायरेक्ट ऐसी रिपोर्टिंग नहीं थी। तो हमें ऐसे लगा कि ये एक तो गैप है, एडवर्टाइजर्स का पैसा गलत खर्च नहीं होना चाहिए, उनको जिस मार्केट में जिस कैटेगरी में जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करनी है वो वहीं पे करें। तो इसलिए हमने इस चीज़ की शुरुआत की एडवर्टाइज़र पॉइंट ऑफ व्यू से। और दुकानदार के लिए तो मैंने आपको बताया कि हमारा कंपनी का मोटिव यही है कि हम दुकानदारों के लिए कैसे कैसे बेनिफिट्स अरेंज कर सकते हैं, वो हम करते हैं। तो हमने फिर उन्हीं के कस्टमर्स के फुटफॉल को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए हमने यही सोचा कि अच्छा, दुकानदार नॉर्मली टीवी तो चला के रखते ही अपनी शॉप्स के अंदर, ठीक है, तो उस टीवी को ऐसा कैसे बना दें कि वो उनके लिए कुछ अर्निंग का मॉडल बन जाए, ठीक है। तो इस चीज़ से हम लेके आए थोड़ी टैब। सर थोड़ा डिटेल में ये बताइए कि जैसे यूज़र्स को क्या फ़ायदे मिलेंगे, दुकानदारों को क्या फ़ायदे मिलेंगे आपके इस कंसेप्ट से, और क्योंकि बेसिकली क्या है सर कि स्टार्टिंग में मुझे खुद भी पूरा डिटेल में, जैसे मैंने पिछला आपका इंटरव्यू किया था तो मुझे भी थोड़ा पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ था, तो इसलिए मैंने कॉन्टैक्ट किया आपसे। और थोड़ा डिटेल में जब मुझे पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, जाहिर सी बात है कि यूज़र्स के कमेंट भी ज़्यादा आने थे कि कंसेप्ट क्या है, तो पूरा कंसेप्ट थोड़ा डिटेल में बता दीजिए। देखिए, जैसे आपने कई ब्रांड स्टोर्स के ऊपर आपने टीवी देखे होंगे, जैसे खाने के आउटलेट होते हैं क्या, जैसे वहाँ पे आपने टीवी देखे होंगे, वहाँ पे उन टीवीज पे क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट रनिंग चल रही होती है, खाली एड डिस्प्ले होती है, एक पेन ड्राइव लगी होती है, एडवर्टाइजमेंट चल रही होती है। बट हमारे इसमें क्या है, ये एक लाइव ब्रॉडकास्टिंग टीवी है, तो इसमें क्या है कि खाली एडवर्टाइजमेंट नहीं है, इसमें पहले आप चैनल देखते हो, इसमें आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 आप चैनल चेंज कर सकते हो, रीजनल वाइज आप अपने चैनल्स, अपने कंटेंट्स आप इसमें अपलोड कर सकते हो। तो हमारे पास चैनल ओनर्स के लिए भी ऑप्शंस हैं, हमारे पास शॉपकीपर के लिए भी ऑप्शन है अर्निंग की, और ये दोनों ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। तो यूज़र को ये फ़ायदा है कि वो टीवी के साथ साथ एडवर्टाइजमेंट, देखो खाली एडवर्टाइजमेंट एक शॉप में चलना, खाली एडवर्टाइजमेंट आ रही है चले जा रही है, और एक आप टीवी पे कंटेंट देख रहे हो, आपका मन कर रहा है, आप कोई सीरियल देख रहे हो, आपका कुछ जो भी उसके अंदर कंटेंट है, आप म्यूजिक देख रहे हो और अपना रीजनल कोई चीज़ें देख रहे हो, और साथ के अंदर एडवर्टाइजमेंट्स आपको आ रही हैं और उस एडवर्टाइजमेंट से आपको मोनेटाइजेशन मिल रही है, आपको कुछ पैसा अर्न करने को मिल रहा है। तो ये इस तरह के ही फायदे इन सब लोगों को है। बाकी आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको लेके चलता हूँ, हमारे CEO हैं MS संसारी जी, तो वो आपको एक बार सारा कॉन्सेप्ट आएंगे। चलिए प्लीज़ आप आएँ एक मिनट। तो दोस्तों अभी जो है अंसारी जी हैं कंपनी के CEO, उनसे भी हम बात करेंगे और देखते हैं क्या कंसेप्ट है। चलिए सर। दोस्तों अभी भी अगर आपकी कोई इंक्वायरी ऐसी रह जाती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर आपको कुछ ऐसा कोई सवाल है जो कंपनी के लिए सुझाव है तो आप कंपनी के नंबर पे कॉल करके बता सकते हैं कि ये चीज़ें और अच्छी बेनिफिशियल वाली हो सकती है। फ्रेंचाइजी मॉडल पे भी हम बात करेंगे, क्यों फ्रेंचाइजी लें और डायरेक्ट शॉपकीपर्स को क्या प्रॉफिट आने वाला है, उस पर भी हम बात करने वाले हैं। हेलो सर। कैसे सर, थोड़ा बता दीजिए कि क्या कंसेप्ट है और कैसे इसमें टोटल वर्किंग रहती है। जी, तुली टैब एक क्लाउड ब्रॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर ना सिर्फ आप ऑन डिमांड वीडियो कंटेंट्स बल्कि आप लाइव टीवी चैनल्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं। ये एक एंड्रॉयड टीवी का सॉफ्टवेयर है जो कि आप अपने स्मार्ट टीवी में इंस्टॉल कर सकते हैं, और जैसे नॉर्मल हम एंड्रॉयड टीवी में ऐप यूज़ करते हैं ऐसे ये ऐप यूज़ होगी। बिल्कुल सर, जैसे नॉर्मल एंड्रॉयड टीवी में आप किसी भी तरीके का, चाहे वो यूट्यूब हो, हॉटस्टार हो, या फिर किसी भी तरीके का OTT एप्लीकेशन जिस तरीके से आप यूज़ करते हैं उसी तरीके का ये भी एप्लीकेशन है, आप इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी एक OTT एप्लीकेशन है जैसे आप नेटफ्लिक्स या फिर यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास जो कंटेंट आते हैं वो बिल्कुल कंटेंट प्रोवाइडर, जैसे कि कोई भी कंटेंट क्रिएटर होते हैं वो आकर के हमारे प्लेटफॉर्म पे कंटेंट अपलोड करते हैं, या फिर कोई भी टीवी चैनल जो सैटेलाइट टीवी में अपने कंटेंट ब्रॉडकास्ट करते हैं वो भी हमारे टीवी पर अपना कंटेंट को अपलोड करते हैं। वही सारे कंटेंट आप हमारे तुली टैब एप्लीकेशन, जो कि एक स्मार्ट टीवी एप्लीकेशन है, इसके माध्यम से अपने टीवी पर एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सर कोई भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं यूज़र, या फिर मतलब कोई स्पेशल इसकी कैटेगरी है, अभी फर्स्ट प्ले स्टोर वगैरह में या सीधा कैसे कर सकते हैं सर? अभी फर्स्ट फेज में इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल सिर्फ कमर्शियल प्लेसेस के ऑनर्स, जैसे कि शॉपकीपर्स, रेस्टोरेंट ऑनर्स, हॉस्पिटल ऑनर्स, या फिर आप कोई भी ऐसा प्लेस जहां पर 60 to 100 लोगों की फुटफॉल डेली है, वो
हमारा इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके और इन कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। सर और भी जैसे बहुत सारी ऐप होती है, तो ट्यूलिट ऐप को क्यों यूज़ करें, क्योंकि ऐप्स तो भी जैसे काफ़ी आपने बोला कि हॉटस्टार भी है या और ऐप्स भी हैं इस टाइप से, तो आपका ट्यूलिट ऐप में क्या लगे? जी बिल्कुल, ट्यूलिट ऐप एक ऐसा एप्लीकेशन है सर जिसमें आप कंटेंट तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता ही मिलता है, लेकिन ये एक तरह का एक ऐसा यूनिक एप्लीकेशन है जबकि हॉटस्टार में पे करना पड़ता है, राइट? जी बिल्कुल, आप ट्यूलिट ऐप जब अपने यहाँ इंस्टॉल करते हैं तो आपको स्टार्टिंग में एक लाइसेंस परचेज करनी पड़ती है जो आपको लगभग 15,000 से लेकर के 25,000 रुपये तक का कॉस्ट कर सकती है, डिपेंड करेगा कि वो आप किस टीवी साइज के लिए लाइसेंस परचेज कर रहे हैं। लेकिन ये लाइसेंस आपको 3 साल के लिए से 3 साल में सिर्फ एक बार परचेज करनी पड़ती है। और फ़ायदा क्या मिलेगा? जी बिल्कुल, इस टीवी का अगर इंस्टॉलेशन आप अपने कमर्शियल शॉप में करते हैं तो जो कमर्शियल शॉप में आप टीवी अपने यहाँ इंस्टॉल कर रखे हैं उस टीवी से एक यूनिक तरीके से आप लगभग 12,000 रुपये तक की रेवेन्यू जनरेट आप कर सकते हैं अगर आप ट्यूलिट ऐप टीवी अपने कमर्शियल प्लेसेस में इंस्टॉल करते हैं। तो फ़ायदा क्या आएगा सर उनको? जी बिल्कुल, अगर आप अपने कमर्शियल प्लेस पे ऐसी टीवी ट्यूलिट ऐप टीवी को इंस्टॉल करते हैं तो इससे एक तरह का मोनेटाइजेशन जो एडवर्टीजमेंट आपके टीवी पर डिस्प्ले होती है उससे जनरेट होती है जिसे कि आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी कि टीवी देखने के पैसे मिलेंगे। जी बिल्कुल, टीवी देखने के नहीं, आपके टीवी पर जो एडवर्टीजमेंट आ रहा है और उस एडवर्टीजमेंट को जो आप अपने ग्राहकों को दिखा रहे हैं उससे एक रेवेन्यू आप जनरेट कर रहे हैं। ओके दोस्तों, जैसा कि मुझे समझ में आया है कि जैसे कि आपके किसी शॉप है आपकी या कोई शोरूम है तो वहाँ पर आप लगवा सकते हैं, और जैसे जितना टीवी साइज रहता है और कस्टमर्स जितने ज़्यादा विजिट करते हैं उन पर डिपेंड करता है कि आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा। मैं एक बार आपको ये एप्लीकेशन चला के दिखाता हूँ। ये ट्यूलिट ऐप एप्लीकेशन है, इसमें आपको न्यूज़ या फिर सीरियल्स, कॉमेडी के कंटेंट्स, एंटरटेनमेंट के कंटेंट्स और साथ में आपको मूवीज़ भी देखने को मिलते हैं। आप इसको बिल्कुल अपने नॉर्मल टीवी के तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके हाथ में आप अपना रिमोट को यूज़ करते हुए इस कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं, और जब ये कंटेंट आप देखते हैं तो इसके साथ में आपके टीवी पर एडवर्टीजमेंट डिस्प्ले होती है, वो एडवर्टीजमेंट हमारे एडमोड्स पोर्टल से इस टीवी पर डिस्प्ले कराई जाती है यानी कि ब्रॉडकास्ट की जाती है, और उसी एडवर्टीजमेंट का जो रेवेन्यू कंपनी को आ रही है एक सर्टन परसेंटेज व्यूअर को मिलती है। अच्छा, दूसरा सर आपसे जुड़ने के लिए क्या कंसेप्ट यूज़ करना पड़ता है, मतलब कैसे आपके साथ जुड़ सकते हैं, कैसे बिजनेस कर सकते हैं या कैसे फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, वो कंसेप्ट? बिल्कुल, कोई भी इंडिविजुअल या फिर कोई भी बिजनेसमैन हमारे प्रोसेस के साथ जुड़ करके एक एंटरप्रेन्योर के तौर पर अपना बिजनेस सेटअप कर सकता है किसी भी लोकेशन पे। हमारे पास दो बिजनेस मॉडल हैं, एक मास्टर सेल्स पार्टनर और दूसरा सेल्स पार्टनर। दोनों के लिए आप हमारे फ्रेंचाइजी डिपार्टमेंट को कांटेक्ट करके और इस बिजनेस के साथ जुड़ सकते हैं। आपको एक इन्वेस्टमेंट इनिशियली करनी पड़ती है इसके लिए, जिसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर आप कहें तो लगभग 70,000 रुपये की आती है, और दूसरी जो हमारा मास्टर सेल्स पार्टनर है उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो अप्रोक्सीमेटली 5 लाख से 6 लाख के बीच में आती है आपकी। जैसे 70,000 मान लीजिए किसी ने लगाया या 5 लाख लगाए तो उसमें उनको क्या मिलेगा? जी सबसे पहले तो हमारा जो लाइसेंस आप किसी भी लोकेशन पे सेल करेंगे तो उसके लिए एक कमीशन आपको उस लाइसेंस की सेलिंग के बिहाफ में मिलती है। सेकेंडली, जितना भी कोई भी शॉपकीपर जितना भी हर महीने अर्न करेगा उसका 10% एज ए रॉयल्टी रेवेन्यू आपको एवरी मंथ मिलती रहेगी। ओके मतलब उनसे उनको कमीशन आएगा, राइट? बिल्कुल। ओके, और सर इन्वेस्टमेंट जैसे कि कोई बंदा ऐसा है जिसके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे नहीं है या वो कम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट करना चाहता है, क्या आपके साथ जुड़ सकता है? देखिए बिल्कुल, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि हमारे पास दो मॉडल हैं, एक मॉडल 5 से 6 लाख रुपए की है और दूसरा मॉडल हमारे पास 50 से 70,000 रुपए की बीच की है। अगर कोई व्यक्ति हमारे प्लेटफॉर्म पे आकर के जुड़ करके बिजनेस करना चाहता है तो बिल्कुल 50 से 70,000 वाली अपॉर्चुनिटी को वो एक्सेप्ट करके हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ सकता है। सेकेंडरी, दुकानदारों के लिए भी हमने एक इसमें रियायत बरती है कि किसी के पास अगर 15,000 या फिर 25,000 रुपये नहीं है हमारे लाइसेंस को परचेज करने के लिए तो उस कंडीशन में हमारा जो MSL लाइसेंसेज हैं जिसको कि हम लोग मंथली सब्सक्रिप्शन लाइसेंस कहते हैं वो भी वो ले करके अपने दुकानों में लगा सकते हैं। इसे लेने के लिए उन्हें सिर्फ मात्र 999 रुपये हर महीने देना पड़ता है और लगभग 36 महीने तक हम उसके जो
तुलित अब रेवेन्यू है उससे हर महीने 900 जो पैसा हाँ, जो आ रहा है उसी से हम हर महीने 999 रुपए ऑटोमेटिकली हमारा सिस्टम डिडक्ट कर लिया करेगा। यानी कि उनको सिर्फ वन टाइम 999 पे करना है। हाँ जी, हाँ जी। और अगले महीने जितना एड चलेगा उसका जो पैसा बनेगा, मान लीजिए अगर दुकानदार को 5000 रुपए एक महीने की रेवेन्यू आई, जी जी, तो उसमें से 999 रुपए ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा, बाकी 4000 रुपए उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी जो कि उस अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके तो दोस्तों मेरे तो जितने डाउट थे लगभग डाउट क्लियर हुए हैं, और जो मुझे काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे थे जो मुझे समझ में नहीं आ रहे थे वो मैंने पुट किए, और आप लोगों के जो सवाल थे वो भी मैंने कोशिश की है कि जितने सिलेक्टेड क्वेश्चंस थे वो मैंने सिलेक्ट करके सर से पूछने की कोशिश की है। और अगर आपको कंपनी से जुड़ना है, किसी भी तरह की आपकी इंक्वायरी है, तो कॉन्टैक्ट नंबर मैं स्क्रीन पे दे रहा हूँ। और सर बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को टाइम देने के लिए, जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके भी सवालों के जवाब उम्मीद करता हूँ मिल गए होंगे। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों फीडबैक दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सरकारी योजना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।